integrate it. Add wings to your career. Hello guys, welcome back to our channel. आज हम लोग बात करेंगे अर्थ प्रेशर की. लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थ प्रेशर ड्यू टू कोहेशन लेस सॉइल का देख लिया था. आज मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोहेसिव सॉइल्स का अर्थ प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं. देखो तो कोहेसिव, देखो रैंकिन ने किसके लिए थ्योरी दी थी कोहेशन लेस सॉइल के लिए, तो उसी थ्योरी को किसने मॉडिफाई करा? बेल ने. किसने मॉडिफाई करा? बेल ने, BELL. बेल ने मॉडिफाई करा और उसी के अंदर उसने बोला कि इससे अपने, बेल ने बोला कि इससे निकल जाएगा. इक्वेशन कौन सी अपने? वही सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टू सी टेन अल्फा. भाई रैंकिन के केस में तो सी जीरो था, लेकिन यहाँ पर बेल ने दिया ही कोहेसिव सॉल्व्स के लिए उसी थ्योरी को मॉडिफाई करके. तो अपन देखते हैं कि कैसे होगा. तो सबसे पहला केस लेते हैं अपन एक्टिव. अब देखो एक्टिव में हम लोगों को क्या करना होता है, अपने को पता है सिग्मा थ्री क्या लेते थे एक्टिव में, सिग्मा एच को एक्टिव में लेते थे और सिग्मा वन को किस में लेते थे, सिग्मा वी को, यानी कि गामा जेड के बराबर लेते थे. ये अपने को पता था जेड हाइट पे देखने के लिए. तो देखो इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन में अगर मैं ये सारी टर्म्स लिखूं तो सिग्मा एच को अपन क्या बोलते थे, पी ए एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है. तो देखो तो मैं क्या लिख रहा हूँ, गामा जेड इक्वल्स टू सिग्मा थ्री की जगह पी ए टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टू सी टेन अल्फा. अब मुझे निकालना क्या है पी ए एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो पी ए इक्व टू, अब ये सारा क्या आ जाएगा, ये टू सी इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा का वन अपॉन में क्या आ जाएगा, यानी कि गामा जेड अपॉन में टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टू सी टेन अल्फा अपॉन, सॉरी माइनस टू सी टेन अल्फा अपॉन में टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है. तो ये हो जाएगा गामा जेड कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है. तो ये हो गया गामा जेड कॉट स्क्वायर अल्फा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, गामा जेड के ए हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, गामा जेड के ए. भाई टेन स्क्वायर अल्फा क्या था, अपन ने पढ़ा था सीयर स्ट्रेंथ में, टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस साइन फाइव अपॉन में वन माइनस साइन फाइव, वन प्लस साइन फाइव अपॉन में वन माइनस साइन, ये किसके बराबर था, के पी, यानी कि वन अपॉन में के ए के बराबर. तो ये क्या हो जाएगा, गामा जेड के ए माइनस टू सी, और ये क्या हो जाएगा रूट का के ए, ये हो जाएगा रूट का के ए. तो ये इक्वेशन आगे किसने, बेल ने दी एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए अपने कोहेसिव सॉइल्स में, ठीक है. अब देखो अब ये इक्वेशन ऐसी आ रही है, पी ए एक्टिव अर्थ प्रेशर किसके बराबर, के ए गामा जेड माइनस टू सी रूट के है. अब तो ऐसा कंडीशन होगा जब मान लो एक्टिव अर्थ प्रेशर कभी जीरो है, पी ए इक्वल टू जीरो है, तो पी ए इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि गामा जेड के ए इज इक्वल टू टू सी रूट के, यानी कि जेड इक्वल टू, यानी कि किसी हाइट पे ऐसा जीरो होगा, कब होगा, तो जेड इक्वल टू टू सी रूट के ए अपॉन में गामा के ए. तो के ए से के कैंसिल हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू टू सी अपॉन में गामा रूट के ए. तो ये क्या है, अब इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग इसको बनाना देखें तो अर्थ प्रेशर अपना कहाँ पे जीरो आ रहा है, किसी एक जेड हाइट पे, किसी जेड हाइट पे अर्थ प्रेशर अपना जीरो है. और वो जेड हाइट कितनी है, इसको मान लो मैं जेड नॉट नाम दे देता हूँ, इसको जेड नॉट नाम दे दिया. किसी जेड नॉट हाइट पे अपना अर्थ प्रेशर क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर इन केस ऑफ कोहेसिव सॉल्स क्या है, जीरो है. अब वो जेड हाइट कितना है, अपन ने देखा कि जब एक बार मैं इसमें जेड इक्वल टू जीरो पुट करके देखता हूँ, इसी इक्वेशन में अगर जेड इक्वल टू मैंने जीरो पुट करा, जेड इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, भाई ये पूरी टर्म तो जीरो हो गई, तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का टू सी रूट का के ए. यानी कि अब मेरे को अगर अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये तो था ही. अब जेड इक्वल टू जीरो पे क्या है, ये माइनस का टू सी रूट का के ए. अब ये किसके हिसाब से बढ़ेगा, जेड के हिसाब से बढ़ेगा, तो लीनियर वेरी होता था पिछले में देखा, तो ये ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता बढ़ता ये ऐसा कोई डायग्राम अपने बनता था. तो ये जो आ रहा है ना, जहाँ पे अर्थ प्रेशर जीरो है, इसी हाइट को मैंने नाम दिया जेड नॉट. इसी ये हाइट अपनी क्या है, जेड नॉट. यानी कि जब तक मैं जेड नॉट हाइट तक पहुँचूंगा तब तक एक्टिव अर्थ प्रेशर मेरा जीरो हो जाएगा. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो कोहेसिव सॉइल्स है, कोहेसिव सॉइल्स में आपस में अट्रैक्शन होता है, यानी कि जब एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या लगेगा, टेंशन लगेगा. तो टेंशन की वजह से ये यहाँ पर ऐसा आ रहा है, ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर आ रहा है नीचे पॉजिटिव. अब तो ये जो टेंशन वाला, यानी कि नेगेटिव वाला पोर्शन है, किसी न किसी डेप्थ पे ऐसा आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो जाए, बराबर हो जाए. तो वो हाइट होगी, ये भी जेड नॉट, तो नीचे भी जेड नॉट हाइट तक बराबर होगा, तो जेड नॉट ये भी. तो यहां पर, और ये कितना है मेरा,
ये तो ये हो गया के ए गामा जेड माइनस टू सी रूट का के ए, ये हो गया। तो और ये जेड नॉट हाइट पर ये भी क्या है, टू सी रूट का के ए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा टू जेड नॉट हाइट तक, टू टाइम्स ऑफ जेड नॉट, टू टाइम्स ऑफ जेड नॉट कितना हो जाएगा, फोर सी अपॉन में गामा रूट का के ए। यानी कि ये एक ऐसी हाइट है। अब देखो कोएसिव सॉइल्स में क्या होता है, टेंशन होता है, टेंशन एक दूसरे को खींचते हैं, कम मतलब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है। तो क्या होगा कि ये एक दूसरे पार्टिकल को रोक के रखेंगे, घिरने नहीं देंगे। तो ये जो 2z0 आ रहा है ना, इसको मैं बोलता हूँ अनसपोर्टेड लेंथ। यानी कि इतनी हाइट तक अगर मेरा कोई सॉइल का सैंपल है, कोएसिव सॉइल का, यानी कि रिटेन अगर मैं किसी को कर रहा हूँ, और तो वो क्या होगा, फेल नहीं होगा, इन स्लोप में फेलियर नहीं होगा। जब तक मैं 2z0 हाइट तक का सैंपल बनाऊंगा तब तक वो मेरा क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेंशन डेवलप हो रही है उस वजह से। तो ये इसको मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ अनसपोर्टेड कट। यानी कि जब तक मैं इतनी डेप्थ तक मुझे कोई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, इस डायरेक्ट फॉर्मूले पे कई बार आया हुआ। तो लेंथ ऑफ अनसपोर्टेड कट को मैं मान लो जेड, इसको मैंने बोल दिया एच नॉट, ठीक है, एच नॉट इक्वल टू क्या हो गया, टू जेड नॉट, और कितना है, फोर सी अपॉन में गामा रूट के है। इसका मतलब क्या है, यानी कि इतनी हाइट तक अगर मेरी कोई कोएसिव सॉइल है तो उस सॉइल को मुझे कोई भी सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, यानी कि रिटेनिंग वॉल बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी अब टेंशन है तो टेंशन की वजह से मे बी टेंशन क्रैक्स डेवलप हो जाए। तो क्या हो सकता है, टेंशन क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। अब अगर टेंशन क्रैक्स डेवलप हो गए तो टेंशन क्रैक डेवलप होगा, यानी कि जैसे ही क्रैक डेवलप होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से कोई ना कोई, ये जब यहाँ पर क्रैक्स डेवलप होंगे तो ये क्या होगा कि जो अपन रिटेनिंग वॉल है उस पर कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा है। ये वैसे भी टेंशन की वजह से रिटेनिंग वॉल पे तो प्रेशर लगा ही नहीं रहा, ये तो आपस में ही लगा रहे, तो अर्थ प्रेशर और कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो कितना होगा, तो अपन अलग अलग केसेस देखते हैं। तो पहला देखते हैं कि व्हेन टेंशन क्रैक नॉट डेवलप, व्हेन टेंशन क्रैक नॉट डेवलप्ड, स्पेशल केसेस हैं। टेंशन क्रैक डेवलप्ड तो किसकी वजह से होंगे भाई, ये यहाँ पे टेंशन लग रही है, खींचा हुआ रहा है, तो हो सकता है किसी न किसी पॉइंट पे उनमें डेवलप हो जाए क्रैक्स। तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे तो इन ये फिर दीवार के पास नहीं रहेंगे, ठीक है। अब अगर इस वाले पोर्शन में ये मैंने क्या कहा, नॉट डेवलप, टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हो रहे, तो ये नेगेटिव वाले को काउंटरैक्ट कौन कर रहा है, ये पॉजिटिव वाला। यानी कि ये जो हाइट है, ये मान लो हाइट मेरी एच है, ये हाइट मेरी एच है टोटल, तो ये कितनी बच गई, एच माइनस टू जेड नॉट। यानी कि मेरा जो अर्थ प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ एच माइनस टू जेड नॉट की वजह से। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला जेड नॉट की वजह से जो आ रहा है वो तो कैंसिल आउट कौन कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव का माइनस टू सी रूट के और ये भी पॉजिटिव का टू सी रूट के, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अर्थ प्रेशर सिर्फ और सिर्फ कौन सी सॉइल की वजह से लगेगा, इसकी वजह से। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने करूँगा पी ए निकालने के लिए, इसको करूँगा इंटीग्रेशन जीरो से एच माइनस टू जेड नॉट, एच माइनस टू जेड नॉट किसका हो जाएगा, के ए गामा जेड, के ए गामा जेड माइनस टू सी रूट का के ए, नीचे वाले पे यही है, ठीक है। और किसके साथ हो जाएगा, हाइट क्या लूँगा मैं, अब डी जेड लूँगा कि क्या लूँगा, सोच के बताओ यहाँ पे क्या आएगा, डी जेड आएगा कि कुछ और आएगा, जब मैं भाई इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा मेरा, डी जेड आएगा ना भाई, जेड के रेस्पेक्ट में ही तो करूँगा, तो ये डी जेड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, या फिर अगर सिंपली मैं देखूं तो मेरा वैसे भी आ जाएगा बिना इंटीग्रेशन के, के ए गामा जेड माइनस टू सी रूट के ए एच माइनस टू जेड नॉट, एच माइनस टू जेड नॉट आएगा। तो इससे भी मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसी से भी मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि टोटल अर्थ प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है, इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखो, अभी भी ये तो मैंने क्या करा, सम ऑफ अपोजिट साइड कर लिया, लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया ये नहीं होता, तो इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई कराने पड़ेगा, हाफ से, तो हाफ आ लगेगा बस। ये कई बार क्या गलती यही हो जाती है, हाफ से मल्टीप्लाई नहीं कराते, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब भी हाफ आएगा। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला आएगा, हाफ ऑफ के ए गामा जेड माइनस टू सी रूट के इंटू एच माइनस टू टाइम्स ऑफ जेड नॉट, टू टाइम्स ऑफ जेड नॉट को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ अनसपोर्टेड कट, यानी कि इतनी डेप्थ या इतनी हाइट तक का मैं कोई भी क्ले सॉइल में सैंपल बनाऊंगा तो वो फेल
नहीं होगा विदाउट एनी सपोर्ट, बिना सपोर्ट के ये लेंथ सीधा सैंपल, मतलब ये जो है सॉइल का सैंपल ऐसे सिंपल खड़ा रह सकता, मुझे यहाँ पर कोई दीवार की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि अगर ये सैंड होता ना, तो सैंड में ऐसा कुछ आता ही नहीं, सैंड तो क्या हो जाती, फेल हो जाती, क्यों, क्योंकि उसमें अपने क्वेश्चन नहीं होता। ये तो ये हो गया। अब कभी कभी इसका पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं कि जेड नॉट, यानी कि जिसका जो जेड बार है वो कितना होगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है h माइनस टू जेड नॉट, इसको टू को अपन सही लिख लेते हैं कन्फ्यूजन, h माइनस टू जेड नॉट बाय थ्री इन टू के नॉट गामा h, के नॉट के ए सॉरी के ए गामा h प्लस टू सी रूट का के ए अपॉन में के ए गामा h, अपॉन में क्या आ जाएगा के ए गामा h। ये जेड नॉट मतलब जेड बार यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा किस में, इसमें आएगा बॉटम से, ये किसका है, कहाँ से आ रहा है, बॉटम से आ रहा है, फ्रॉम बॉटम, ठीक है, लोकेशन ऑफ, ठीक है। तो ये देख लिया। अब अगर मान लो इसमें टेंशन क्रैक्स डेवलप हो गए, ये तो अपन ने क्या लिखा कि टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हुआ, जब टेंशन क्रैक नहीं डेवलप होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटरैक्ट कर देंगे, और अर्थ प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इतनी डेप्थ की वजह से आ जाए। लेकिन अगर टेंशन क्रैक्स डेवलप हो गए, इस सॉइल में अगर क्रैक्स डेवलप हो गए तो क्या होगा, ये तो फेल हो गई, ये अब इसको रेजिस्ट नहीं करेगा। तो अब अपना जो आएगा अर्थ प्रेशर वो किसकी वजह से आएगा, एच माइनस जेड नॉट हाइट। अब ये कितनी बच गई, एच माइनस जेड नॉट हाइट के लिए आएगा। तो अपन देख लेते हैं व्हेन टेंशन क्रैक्स डेवलप्ड केस बी, ठीक है। तो यही होगा के गामा जेड माइनस टू सी रूट के इन टू डी जेड, ये आ जाएगा एच माइनस जेड नॉट, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा एच माइनस जेड नॉट। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसी को मल्टीप्लाई कर लो, ये जो आंसर आएगा वही हो जाएगा अपना टोटल अर्थ प्रेशर इनएक्टिव, और इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, जेड बार कितना हो जाएगा, भाई ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितना होता है, इसकी जो हाइट है एच माइनस जेड नॉट बाई थ्री फ्रॉम बॉटम से, तो बॉटम से इतनी हाइट पे इसका लोकेशन हो जाएगा। तो इतना सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस अपने को क्या ध्यान रखना था कि अल्फा क्या हो रहा था, यहाँ पर चेंज हो रहा था बस, वैसे तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कैलकुलेशन करते हैं तो एक कभी इधर होता है तो ऊपर आता है, दूसरी तरफ नीचे चला जाता है तो उल्टा हो जाता है, बस ये ध्यान रखना था, और सी की वैल्यू को यहाँ पे मान रखना है, ठीक है। और अगर मान लो इसमें कोई सरचार्ज होता, क्या होता, इफ़ सॉइल मास विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज, अगर सॉइल मास जो है वो विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज है, यानी कि कोई क्यू लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, तो क्यों तो अपने सिंपल के ए क्यू ऐड हो जाएगा सिंपल विथ यूनिफॉर्म सरचार्ज, और जब भी सरचार्ज लगेगा तो टेंशन क्रैक डेवलप नहीं होंगे, बस ये ध्यान रखना, जब भी सरचार्ज लगेगा तो टेंशन क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्व टू के ए गामा एच माइनस टू सी रूट के ए, यानी कि नीचे वाला पोर्शन लिख रहा हूँ स्मॉल पी ए, प्लस के ए इंटू क्यू, यानी कि ये वाला लिखा मैंने, और कोई भी टेंशन क्रैक डेवलप नहीं होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो टेंशन क्रैक कब डेवलप होगा, जब उसके ऊपर ऊपर से कोई भी लोड नहीं आएगा, जैसे ही मैंने लोड लगा दिया अब उस पर टेंशन क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इतना ही होगा, ये तो था अपना एक्टिव केस। अब मैं बात करता हूँ पैसिव केस की। अब मैं किसकी बात करता हूँ, पैसिव केस में। तो ये तीन केस आपको ध्यान रखना है। ये भी बेल की थ्योरी है। अब देखो क्या हो जाएगा पैसिव केस में। सेकंड जो केस था पैसिव अर्थ प्रेशर, इक्वेशन वही सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टू सी टेन अल्फा। अब अपने को पता है पैसिव के केस में सिग्मा वन कौन था, सिग्मा एच था। सिग्मा एच जो था वो सिग्मा वन था, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस वन था, और ये किसके बराबर था, गामा जेड के बराबर। और सिग्मा थ्री मेरा किसके बराबर था, सिग्मा थ्री मेरा किसके बराबर था, सिग्मा वी के बराबर, सॉरी इसमें हम उल्टा कर दिया। इसमें जो सिग्मा वन होता है वो किसके बराबर होता है, पैसिव केस में सिग्मा वन किसके बराबर होता है, अपना माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर होता है, सॉरी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर होता है, ये होता है हाँ हॉरिजॉन्टल के बराबर, बस सिग्मा जेड गलत लिख देता, हॉरिजॉन्टल के बराबर, और हॉरिजॉन्टल किस से रिप्रेजेंट करेंगे, पीपी, और सिग्मा थ्री किसके बराबर, क्योंकि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कम होता है। हमने देखा कि पैसिव के केस में क्या होता है, वॉल का मूवमेंट
टूवर्ड्स होता है, तो यानी कि उसको हॉरिजॉन्टल वाला ज्यादा होता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला ज्यादा होता है, अपन ने लास्ट केसेस में पढ़ा ही था। तो इसमें सिग्मा 3 यानी कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा वी के बराबर। 15 अगस्त की जोरदार तैयारियां चल रही है, इस वजह से थोड़ा एरोप्लेन की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। हमारा क्या है जो स्टूडियो है एयरफोर्स स्टेशन के जस्ट पास में, तो इस वजह से तो सिग्मा वी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 3 एन की माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा वी कितना होता है गामा जेड के बराबर। तो ये ध्यान रखना। अब इस इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूं तो सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 की जगह मैंने सिंपल लिखा पीपी इक्वल टू, सिग्मा 3 की जगह लिख दिया गामा जेड। अब टेन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, अपन ने देखा था टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू केपी, अभी थोड़ी देर पहले आज दोबारा देख लेता, तो केपी प्लस 2c ये क्या हो जाएगा रूट का केपी, ठीक है। तो पीपी इक्वल टू क्या हो गया गामा जेड केपी प्लस 2c रूट केपी। अब अगर जेड इक्वल टू 0 होगा तो पीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो किसके बराबर आ जाएगा 2c रूट केपी, किसके बराबर आ जाएगा, जेड इक्वल टू 0 हमेशा किसके बराबर आ जाएगा 2c रूट केपी। अब अगर मेरे को इसको बनाना हो तो एक चीज देखो, ये तो हमेशा के हमेशा रहेगा ही रहेगा ना 2c रूट केपी, तो हमेशा ये चेंज भी नहीं हो रहा ना, तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है ना अर्थ प्रेशर का कोफिशियंट चेंज होना है, तो 2c रूट केपी तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2c रूट केपी। और ये गामा जेड किसके लीनियर वेरिएशन हो रहा है जेड के साथ, तो ये क्या हो जाएगा केपी गामा जेड, केपी गामा जेड बस। अब उसमें तो क्या होता है टेंशन क्रैक डेवलप होता है एक्टिव के केस में, इसमें नहीं होता। तो देख लो इसमें ज्यादा प्रेशर लग रहा है, उसमें माइनस हो रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इसमें प्रेशर ज्यादा लग रहा है और उसमें प्रेशर क्या लगता है कम लगता है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मेरे को कोई बोल दे कि भाई टोटल अर्थ प्रेशर कितना होगा, तो टोटल अर्थ प्रेशर कैपिटल पीपी, ये तो सॉरी स्मॉल पीपी हो गया, तो कैपिटल पीपी कितना हो जाएगा 2c रूट केपी इंटू हाइट कितनी h प्लस हाफ ऑफ केपी गामा जेड का स्क्वायर। अब h लिख देते हैं हाफ ऑफ केपी गामा h का स्क्वायर, और लोकेशन कितनी हो जाएगी जेड बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो z1 पहले देख लेते हैं z1 कितना आएगा, z1 अपन नाम दे रहे हैं इसको, ये हो गया अपना 1 1, ये 2 वाला हो गया, तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा z1 का लोकेशन क्या हो जाएगा h/2 फ्रॉम बॉटम, और z2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कितना हो जाएगा h/3 फ्रॉम बॉटम, तो दोनों का ही बॉटम से ये आ रहा है, तो इससे फिर अपना क्या निकल जाएगा z बार, तो z बार कितना आएगा z बार देखो, तो z बार इक्वल टू आ जाएगा pp1 इंटू z1 प्लस pp2 इंटू z2 अपॉन में pp कंप्लीट वाला, तो ये इससे मेरा z बार निकल जाएगा, तो z बार लगभग इन दोनों के बीच में आएगा h/2 और h/3 के बीच में आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया टोटल सारा का सारा एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर हो गया इन केस ऑफ क्वेश्चन लेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल। क्वेश्चन लेस के लिए थ्योरी किसने दी थी, रैंकाइन ने थ्योरी दी, और उसी थ्योरी को मॉडिफाई किसने करा, बेल ने करा, किसके लिए कोहेसिव सॉइल्स के लिए। अब अपनी नेक्स्ट थ्योरी आती है कुलम्ब वेज थ्योरी, ठीक है कुलम्ब वेज थ्योरी। अब इसको आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो एक्टिव केस में क्या होता है लेंथ ऑफ एक अनसपोर्टेड कट आती है, उसकी हाइट कितनी होती है 4c अपॉन में गामा रूट के है, आपको याद रखना है। और एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 कहाँ पे होता है 2c अपॉन गामा रूट के पे, हाइट जो आएगी 2c अपॉन में गामा रूट के जो हाइट होएगी उस पे अपना क्या होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 होता है। और जेड इक्वल टू 0 पे एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होता है माइनस ऑफ 2c रूट के, और यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 पे पैसिव अर्थ प्रेशर कितना होता है 2c रूट केपी, ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा एक्टिव वाले में टेंशन क्रैक कभी डेवलप होते हैं कभी नहीं होते, जनरली कब डेवलप नहीं होते जब उसके ऊपर कोई लोड लगेगा, तो कोई भी टेंशन क्रैक डेवलप नहीं होगा यानी कि जब सरचार्ज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं अपने कुलम्ब वेज थ्योरी, ये लास्ट है ठीक है, क्या है अपने कुलम्ब वेज थ्योरी लास्ट है इस अर्थ प्रेशर थ्योरी का चैप्टर का। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शियर स्ट्रेंथ और अर्थ प्रेशर वाले चैप्टर दोनों के क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं लिखता हूं कुलम्ब वेज थ्योरी। अब देखो जो जो इसमें और उसमें डिफरेंस है ना, सिर्फ वो एजम्पशंस लिखूंगा मैं। तो उसने क्या उसके केस में रैंकाइन के केस में वॉल क्या थी, इस वर्टिकल एंड स्मूथ थी, इसके केस में वॉल मे बी इंक्लाइंड, मे बी वॉल मे बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, इनकी दोनों हो सकती है, वॉल मे बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड ठीक है। दूसरा उसमें वॉल क्या थी स्मूथ थी, इसमें वॉल रफ होती है, एंड वॉल में भी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड एंड क्या होती है रफ होती, उसमें स्मूथ थी इसमें रफ होगी, यानी कि वॉल
और सॉइल के बीच में भी यहां पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन उस केस में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा था इन केस ऑफ रैंकाइन थ्योरी। तो ये एक जो मेन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है और बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है। इसके अलावा इसमें जो होता है स्ट्रेस क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन एट फेलियर, यूनिफॉर्म होता है उसमें नहीं होता स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। एट फेलियर इज यूनिफॉर्म बस, और उसमें क्या होता है लगभग नॉन यूनिफॉर्म होता है। उसमें फेलियर सरफेस कैसा होता है, प्लेनर होता है, इसमें होता है वेज शेप्ड फेलियर सरफेस, वेज शेप्ड फेलियर सरफेस। उसमें वैसे शेप तो वेज शेप ही होता है, लेकिन अब देखो लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। ये तो एजम्पशंस थे, बाकी इसके और उसके क्या है, सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट, कोहेशनलेस, ड्राई, वो सब सेम है, आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस, वो सारे एजम्पशन जो मैंने चेंज कराए ना उसके अलावा सारे एजम्पशंस दोनों के क्या है, सेम है, कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इनके लिमिटेशन की बात करता हूँ, मतलब इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ कमियाँ थी। अब कमियाँ देखो, पहली मेन जो कमी थी, इसने किस में कमी दी, अब इसने बोला कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना फेलियर सरफेस पे, इसने बोला कि ये वेज शेप्ड का फेलियर है एक्चुअली, यानी कि वेज शेप्ड यानी कि ऐसा कुछ फेलियर है, यानी कि स्ट्रेट लाइन, जबकि इन एक्चुअल केस इट इज स्लाइटली सर्कुलर, एक्चुअली ये होता है सर्कुलर, और पैसिव के केस के लिए तो बिल्कुल ही काम की नहीं है ये थ्योरी, क्योंकि पैसिव में तो हमेशा वेज शेप्ड ऐसा ही होता है, पैसिव में फेलियर हमेशा ऐसा होता है, लेकिन ठीक है सॉरी पैसिव के केस में हमेशा क्या होता है, सर्कुलर फेलियर होता है, और इसने क्या बोला कि ये ऐसा आएगा प्लेनर, तो ये बिल्कुल ही पैसिव केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल फॉर पैसिव, नॉट एप्लीकेबल फॉर पैसिव अर्थ प्रेशर, तो पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बस यही एक है मेन जो इसका लिमिटेशन वो यही है। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेते हैं अर्थ प्रेशर थ्योरीज और क्या क्या है, तो देखो और अपने ग्राफिकल मेथड्स हैं, जैसे देखो नाम याद रखने, कुलमान्स मेथड होता है, एक कुलमान्स मेथड होता है, अपने इनका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं, बस आपको नाम याद रखने, ग्राफिकल सॉल्यूशंस हैं इनके, किसके अर्थ प्रेशर के, ग्राफिकल सॉल्यूशंस, एक तो है कुलमान्स मेथड, एक है अपना रैबनान्स मेथड, रैबनान्स मेथड, ये आपको दो और याद रखने, कभी मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये दोनों मेथड नाम याद रखने और अपने कुछ नहीं है। जो कुलमान्स मेथड है ये वैसे रैंकाइन थ्योरी पे ही बेस्ड है, रैंकाइन थ्योरी पे बेस्ड है, मॉडिफाइड थ्योरी जो किसने दी थी, बेल ने दी थी, रैंकाइन मॉडिफाइड थ्योरी पे ही बेस्ड है, जो किसने दी थी, बेल ने दी थी, किसके लिए, कोहेसिव सॉइल्स के लिए, बस यही है अपना अर्थ प्रेशर का पूरा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नॉर्मली क्वेश्चन लेस सॉइल के लिए, आज हमने कोहेसिव सॉइल्स के लिए देख लिया, और साथ में कुलम वेज थ्योरी, कुलम वेज थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, जो जो सिर्फ चेंजेस है रैंकाइन और कुलम थ्योरी के एजम्पशन में, जो जो चेंज है अपन ने वही पढ़ा, उसमें क्या था, वॉल क्या थी, हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल थी, सॉरी इसमें हॉरिजॉन्टल गलत लिख दिया, वर्टिकल और इंक्लाइंड, सॉरी अभी तो गड़बड़ हो जाता, ये वॉल में भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो अर्थ प्रेशर, हॉरिजॉन्टल तो रिटेनिंग वॉल होती नहीं है, तो वर्टिकल और इंक्लाइंड, उसमें क्या थी, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल थी, उसमें क्या था, वॉल सरफेस क्या था, रफ था, सॉरी स्मूथ था, लेकिन इसमें रफ है यानी कि फ्रिक्शन डेवलप होगा। ठीक, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट फेलियर इज यूनिफॉर्म, उसमें यूनिफॉर्म नहीं था, और इसमें वेज शेप्ड फेलियर, लेकिन एक्चुअल में वेज शेप्ड फेलियर नहीं होता, इन केस ऑफ पैसिव सर्कुलर होता है, इसलिए ये पैसिव के लिए काम की नहीं है। ठीक है, और इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन है कुलमान्स मेथड और रैबनान्स मेथड। तो आज वाले लेक्चर में मेनली जो इंपॉर्टेंट था वो लेंथ ऑफ अनसपोर्टेड कट था, और एक्टिव के केस में अगर क्ले सॉइल है तो Z0 पे क्या होता है, Z0 पे क्या होता है, 2Z0 पे क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी, और पैसिव के केस में भी Z इक्वल्स टू जीरो पे कितना प्रेशर आता है, बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, बाकी सारा चीज़ सेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बस लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूस, बाकी कोई चिंता की बात नहीं, सिलेक्शन पेपर बहुत आसान आता है, आराम से हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेटेड।